Hello guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So today's video is all about this makeup look right here. This is one brand makeup tutorial from Swiss Beauty. So आप देख सकते हो मेरे लुक को बहुत ही ईजली मैंने इस लुक को क्रिएट किया और मुझे बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है. ये बहुत ही अच्छे से टर्न आउट होकर आया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इन द वीडियो. सारे ही स्विस ब्यूटी के मेकअप प्रोडक्ट्स को परचेस किए हैं तो इनमें से कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स तो मैंने यूज़ किए हैं और कुछ ऐसा है जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है. सो देखते हैं कि किस तरह से वो वर्क करता है. सो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं कोई वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है तो हम यूज़ करेंगे प्राइमर. और प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर. ये रियल मेकअप बेस्ड प्राइमर है और जो शेड मैंने लिया है ये है नंबर 02. ये ऐसा दिखता है. बॉटल तो इसकी बहुत ही अच्छी है तो थोड़ा सा मैं इसे अपने हैंड पे ले रही हूँ और फिर तो ये प्राइमर के साथ साथ मीन्स ये प्राइमर तो है ही, प्राइमर के साथ साथ आपको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट भी दे रहा है. आप साइन देख सकते हो मेरे फेस पे ग्लो कर रहा है तो ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही अच्छा एक ग्लो, बहुत ही अच्छा एक साइन आपको आपके फेस पे देखने को मिल रहा है. सो आप देख सकते हो. नेक्स्ट मैं यूज करूंगी मेरे पास ये भी है. ये भी मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर. इस पर मैंने एक अलग से आप लोगों के साथ रिव्यू वीडियो भी शेयर किया है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा. तो मैं इसे भी यूज़ करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि ये कैसा है इस वीडियो में. नेक्स्ट मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन है ये. और जो शेड मैंने लिया है मीडियम बेस तो मुझे इस टाइप का फाउंडेशन का शेड बहुत ही अच्छे से जाता है, बेस या फिर न्यूड. सो हम पहले इसे अपने हैंड पे लेंगे और फाउंडेशन के साथ मैं मिक्स करने वाली हूँ ये इल्यूमिनेटर, स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर. और इसे भी मैं जरा सा अपने हैंड पर लेकर दोनों को मिक्स कर लूंगी. और फिर मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लूंगी. और मैंने अपने ब्लेंडर को सोक कर लिया है और मैं इसे स्क्वीज कर ली हूँ तो इससे बहुत ही अच्छे से आपका फाउंडेशन जो है ब्लेंड होता है. आप ब्लेंडर को कभी भी ड्रैग नहीं करो, इस तरह से आपको ड्रैग नहीं करना है. आपको हमेशा डैबिंग मोशन में इसे इस तरह से ब्लेंड करना है तो आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगा और बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा. सो इस फाउंडेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया है, मैं एक बार यूज कर चुकी हूँ अपने हॉल वीडियो में, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है. अब और मैंने एक स्विस ब्यूटी का हॉल वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अब तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो. तो उस वीडियो में मैंने इस फाउंडेशन के बारे में बोला है और आज मैं इसे दूसरी बार यूज़ कर रही हूँ. सो ये फाउंडेशन जो है इस बॉटल पे लिखा हुआ है, मैं पहले ब्लेंड कर लेती हूँ फिर बोलती हूँ. सो इस फाउंडेशन पे लिखा हुआ है हाई कवरेज फाउंडेशन, बट
ये बिल्कुल भी हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बताई है और आज भी बोल रही हूँ, ये बिल्कुल भी हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है। अगर आपको शेयर टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन चाहिए, अगर आपको उस तरीके से आपको कवरेज चाहिए, आप इस फाउंडेशन को यूज कर सकते हो। हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है ये, वो देख सकते हो मैंने फाउंडेशन में ये पर्ल इल्यूमिनेटर को मिक्स किया है। आप ग्लो मेरे फेस पे देख सकते हो। सो ये पर्ल इल्यूमिनेटर जो है स्विस ब्यूटी का, मुझे बहुत ही पसंद आया। मुझे कोई कोई स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो सारे प्रोडक्ट्स को तो मैंने नहीं यूज किया है, बट कोई कोई प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। तो ये हमारा ब्लेंड हो गया। नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ कंसीलर, और स्विस ब्यूटी के कंसीलर के बारे में तो शायद मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इनका कंसीलर कितना अच्छा है, इसे मैं अपने अंडर आई एरिया में लगाऊंगी। आप अपने अंडर आई एरिया में, अपने आई के पास, अपने फोरहेड में, अपने माउथ के अराउंड, जहां भी आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो या फिर आपका स्कार्स हो, तो वहां पे आप अपने फेस को कंसील कर लीजिए। सो फाउंडेशन जो है ये स्विस ब्यूटी का, ये आपको हाई कवरेज नहीं देता है। मींस इसकी कवरेज जैसे मैंने बताया कि ये मीडियम कवरेज देता है, बट कंसीलर जो है इनका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है, ब्लेंड करने में आपको कोई भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। जितने भी इनके प्रोडक्ट्स यूज किए उनमें से सिर्फ मुझे इनका फाउंडेशन ही है जो सो लगा, बाकी मुझे ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर एंड आफ्टर दैट मुझे ये पर्ल इल्यूमिनेटर जो है इनका, ये और कंसीलर, इन सबके, ये सबको आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। सो नेक्स्ट यूज करने वाली हूँ अपने बेस को सेट करने के लिए ये स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर। ये अल्ट्रा फाइन फिनिश पाउडर है और जो शेड मैंने लिया है ये है 02। सो ये एक बनाना पाउडर है और इसे मैंने अब तक यूज नहीं किया है। सो देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। सो आपको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक पफ मिलता है और पफ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये शुगर का जो लूज पाउडर है ना उसकी तरह है, मीन्स क्वालिटी अच्छी है इस पफ की। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन करने को इस तरीके से है और फिर आपको आपका प्रोडक्ट नजर आ जाएगा। तो ये एक बनाना पाउडर है और इससे क्या होगा कि आपका ये इस तरह से लॉक करने को दिया है, मीन्स क्लोज करने को दिया है, तो इससे आपका प्रोडक्ट जो है ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ एक मिरर भी मिल जाता है। चाहूंगी कि ये पाउडर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इसके पार्टिकल्स जो है बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है, बहुत ही सॉफ्ट है और आप देख सकते हो मेरे फेस को कितने अच्छे से मैटिफाई किया है ये। सो ये पाउडर भी आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ब्यूटी का सेफ माई ब्रोस और इसमें मैंने सेट जो लिया है ये है 02 और ये भी किट जो है बहुत ही अच्छा है। आपको इसमें एक मिरर मिल जाता है तो इसमें से मैं ये डार्केस्ट शेड लूंगी, ये वाला, और इसे मैं अपने आईब्रोज के गैप को फिल इन कर लूंगी। ये स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शैडो पैलेट
तो ये एक फेमस पैलेट है स्विस ब्यूटी का, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और इसमें मैंने सेट जो लिया है ये है 06। सो इस पैलेट से मैं ये वाला सेट लेकर अपने फेस को कॉन्टोर कर लूंगी। बहुत ही लाइट हैंडेड लेना है और आपको ऑलवेज डस्ट ऑफ करना है एक्सेस प्रोडक्ट को। कंटूरिंग को थोड़ा साफ दिखाने के लिए मैं उसे बहुत ही हल्के हैंड से इस तरह से तो इससे आपका कॉन्टूरिंग जो है बिल्कुल ही शार्प और क्लियर नजर आएगा। मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर लिया है तो नो वरीज, हम क्या करेंगे जिससे हमने अपने फाउंडेशन को ब्लेंड किया था उसी से मैं इस तरह से डैब डैब कर लूंगी। ऐसा हो ना कि आपने कॉन्टोरिंग ज्यादा कर लिया है या फिर आपने ब्लश ज्यादा अप्लाई कर लिया है तो आपको बिल्कुल भी वरी होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप क्या करो जिससे भी अपने जिस भी ब्लेंडर से आपने अपने फाउंडेशन को ब्लेंड किया है बस आपको उसी तरह से इस पे डैब डैब करना है। सी आप डिफरेंस देख सकते हो। नेक्स्ट मैं ब्लश के लिए यूज कर रही हूं ये स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट, और इसमें मैंने शेड जो लिया है ये है 02। अगेन आपको इसमें एक बड़ा सा मिरर मिल जाता है, दो कलर को मैं साथ में लेके ब्लश अप्लाई करूंगी। ऑलवेज टैप द एक्सेस क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। स्माइल करते हुए आप इस तरह से आपको अपने ब्लश को ब्लेंड कर लेना है। मेकअप में ब्लेंडिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, आप चाहे अपना आई मेकअप करो या फिर ब्लश हो आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। कलर मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है सो आपको केयरफुल रहना होगा। अगर आप बिगनर हो तो आपको बहुत ही लाइट हैंडेड जाना है और बहुत ही हल्का सा कलर पिक करना है। इसमें बहुत सारे हैं तो अगर आप कोई अफोर्डेबल सा ब्लश देख रहे हो तो आप इस ब्लश पैलेट को ले सकते हो। और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के ब्लश मिल जाते हैं, साथ ही में आपको हाईलाइट करने के लिए भी मिल जाता है। और स्विस ब्यूटी के ही पैलेट में आपको 04 या 03 नंबर मुझे याद नहीं है, अगर आप कॉन्टोर करने के लिए भी चाहते हो लेना तो ब्लश का पैलेट जो है जो दूसरे नंबर में आता है आपको एक कॉन्टोर भी मिल जाता है तो आप चाहो तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मीन्स ये पैलेट आपका 3 in 1 है, 3 in 1 भी नहीं, आप 4 in 1 बोल सकते हो। आप चाहो तो आई मेकअप भी इस पैलेट से क्रिएट कर सकते हो। सो ये पैलेट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, साथ ही साथ आपको मिरर भी मिल जाता है। ब्यूटी का अल्टीमेट शैडो पैलेट 06 जिससे मैंने अभी अभी कंटूर किया है, और इसमें से हम शेड लूंगी और अपने क्रीज पे बिल्ड करूंगी। सो ये आई शैडो पैलेट भी ना बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, इसके कलर सारे बहुत अच्छे हैं। इसे मैं शेड थोड़ा सा ये की कोशिश करूंगी और मैं यूज कर रही हूँ ये फ्लैट शेडर ब्रश।
कलर को एक ब्रश पर लेकर और इसे मैं अपने आईलिड पे लगाऊंगी ताकि इस ये मैं इस ताकि जो भी इसके ऊपर मैं कलर करूं ना वो बहुत अच्छे से आए। तो ये हो गया कर रही हूं इस पैलेट से ये वाला कलर देख सो इस कलर को मैं अपने आउटर वी पे प्लेस करूंगी। लिक्विड आई शेडो और शेड मैं यूज कर रही हूं ये है 05 रोज गोल्ड रेट्रो। कलर को मैं अपने लोअर लाइन पे स्मोक आउट करूंगी। ये स्टेप जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे आपका आई लुक ना बहुत ही डिफरेंट लेवल पे चला जाता है और बहुत ही अच्छा टर्न आउट होकर आता है। सो आप इस स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लैक लॉन्ग वेयर लिक्विड पेन आईलाइनर और ये आई सुपर लेस वाटर प्रूफ मस्कारा है ये। मस्कारा लगाने के बाद मैं ऑफ कैमरा फॉल्स लेसेस लगा लूंगी और मैं उसी ब्लश पैलेट से ये हाइलाइटर को यूज कर रही हूँ। तो हाइलाइटर भी इसका पिगमेंटेड है। अच्छा लगा मुझे ये हाइलाइटर, अच्छा लगा मुझे ये पैलेट भी, अच्छा लगा इनका। सो नाउ अब मैं स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर और ये मैं पहली बार नहीं यूज कर रही हूं तो मैं स्प्रे करूंगी दूर से। स्टिक और जो शेड मैंने लिया है लगाने के लिए ये है 03 एथिना, देखते हैं ये परफेक्ट मैच। ऑरेंज और रेड के बीच का कलर है ये, रस्ट ऑरेंज या रस्ट रेड आप बोल सकते हो। सो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज, दिस इज़ हाउ इट टर्न आउट। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, होप आप सबको भी अच्छा लगा हो। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट।